हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अहमद कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रोल रखता है एस्ट्रोलॉजी में। ग्रहों में राजकुमार, आपकी तर्क शक्ति के मालक, आपके दिमाग में जो घोड़े दौड़ रहे हैं, आपके दिमाग में जो इस समय प्लानिंग्स चल रही हैं, उस प्लानिंग्स की लॉर्डशिप जो है, आपके दिमाग का जो डोमेन है, आपका माइंड, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स, इन सब की लॉर्डशिप, आपकी तर्क शक्ति, आपके बोलचाल का रवैया, आपका कम्युनिकेशन, आपकी सिक्स सेंस, इन सब का डोमेन है मरकरी के पास। मरकरी अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन साइन में। डेट होगी 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक मरकरी एंटर इन कैप्रिकॉन साइन, ट्रांजिट इन यू नो कैप्रिकॉन साइन फ्रॉम 7 फरवरी 2023 to 27 फरवरी 2023, यानी 20 दिनों के लिए आपकी बुद्धि का मालिक, आपके व्यवसाय का मालिक, आपके कारोबार का मालिक, आपकी ट्रेडिंग का मालिक, आपके फाइनेंस का मालिक जो है वो आपके मकर राशि में गोचर करना शुरू करेगा। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट एंड कैप्रिकॉन, एंड यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स इफ यू फॉलो माय गाइडलाइंस एंड डूइंग ऑल टाइप ऑफ वर्शिप एंड चैंटिंग, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए बुध जो है वो आप कारक ग्रह है, आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड होकर आपके टेंथ हाउस में केंद्र स्थान में गोचर करना शुरू करेंगे 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक। ये सारा टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आ रहा है, रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। अगर आपने कहीं किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उन इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, माइंड आपका स्टेबल रहेगा और आपके जो भी एफर्ट्स होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होने की वजह से मन बड़ा खुश रहेगा। एरिस ये सारा टाइम अगर आप कोई किसी नई तरह की कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो टाइम आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। 7 फरवरी से लेकर 27 फेब तक का जो पीरियड है, मरकरी का गोचर आपके 10th हाउस में, आपके मान सम्मान में उन्नति होगी, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन आपको खुश रखेंगी, कम्फर्ट्स में आपके राइज होगा, नौकर चौकर आपके बढ़ेंगे, गाड़ी व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, बट अपनी हेल्थ का ध्यान देकर चलें। 7 फरवरी से लेकर 27 फेब तक का जो टाइम है, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है, नर्वस सिस्टम को लेकर कुछ टेंशन रह सकती है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की यानी कि वृष लगन की। टॉरस आपके लिए जो मरकरी है वो रूलिंग प्लैनेट है, आपके सेकंड और आपके फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और आपके नाइन्थ हाउस में जो मरकरी है वो गोचर करना शुरू करेंगे 7 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक। तो ये 20 दिन बुध का गोचर आपके नवम भाव पे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हैं, अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, आपने हायर एजुकेशन के लिए स्टडी वीजा अप्लाई कर रखा है, तो यूनिवर्सिटी से आपको एक अच्छी खासी खुशखबरी मिल सकती है, आपको यू नो स्टडी वीजा मिल सकता है, फॉरन हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, फॉरन मल्टीपल ट्रेवल्स आपके इस दरमियान रह सकते हैं, या फॉरन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी कि जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, या फॉरन से कोई बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, अगर आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो ये ट्रांजिट बुध का आपके लिए बहुत आपको लाभवांछित करेगा, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और हर तरह से खुशखबरी आपको मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम बुध का गोचर नवम भाव में, आप हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, होली प्लेस पे विजिट कर सकते हैं। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। ये 20 दिन आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होंगे, जब आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड कम्फर्ट। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। दोस्तों, आपके लिए तो आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी और आपके एट्थ हाउस में गोचर होगा। यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम 7 फरवरी 2023 to 27 फरवरी 2023, यानी 20 दिन का ये गोचर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें, किसी किस्म का किसी के साथ कोई भी
डॉक्यूमेंट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, डील पे, कोई एग्रीमेंट पे आपने साइन नहीं करना। बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में आपके लिए कुछ सोरो लेकर आएगा, डिले लेकर आएगा, कहीं से पैसा आना है उसमें देरी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं, मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी, स्ट्रेस फोबिया एग्जाइटी आपकी रहेगी, मन आपका परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम किसी को ना पैसा दें ना किसी से लें, उधारी कर्जा तो खास करके आपने ना लेना है ना देना है। अगर आप कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, तो आपको टाइम पे वो लोन आप पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। व्हीकल केयरफुली चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ये सारा टाइम फ्रेम मरकरी आपके लिए मन डावाडोल रहेगा, मन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना रहेंगे, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें और मदर से ब्लेसिंग्स लेते रहें, और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू जो है वो भोग लगाएं वेनसडे वाले दिन 7 फरवरी से लेकर 27 फैब तक। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके लिए 12th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में गोचर करेंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गुड गेन्स मिल सकते हैं, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, डेली इनकम आपकी अच्छी होगी, अनमैरिड है तो शादी का कोई रिश्ता आ सकता है। सप्तम भाव में बुध का गोचर आपके रिसोर्सेज पैदा करेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके स्पाउस के साथ वो बेटर होगी, यू विल फील लॉट ऑफ गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम with your loved one, especially your spouse will support you, but you need to be careful while communicate with your spouse or with your business partner. You know, उतावलापन ना दिखाएं, impulsive behavior, impulsive nature को ना show होने दें किसी के सामने, काम होके चलें, polite होके चलें, सुबह early morning उठ के थोड़ी देर के लिए meditation जरूर करें, आपको mentally आप बहुत ज़्यादा strong हो जाएंगे और mercury का transit आपके लिए daily income में growth लेकर आएगा, या foreign से आपकी कोई financial activities होगी, या foreign से कोई financial transactions आपको happy करेंगी। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। देखिए आपके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, बहुत ही अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप है लियो असेंडेंस में मरकरी के पास, और आपके 6th हाउस में मरकरी गोचर करेंगे 7th फैब से लेकर 27th ऑफ फैब 20 दिनों के लिए। देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी लेकर आने वाला है, कर्जे से आपको मुक्ति मिलने वाली है, नया लोन लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा और आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहेंगी। अगर हेल्थ में कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस अप कर रहे थे बीते कुछ समय में, तो 7 फरवरी के बाद यू विल फील मच रिलैक्स एंड पॉजिटिविटी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट, दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू लियो, बिकॉज यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू मे गेट पीआर और वर्क परमिट और सम फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी। इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्क, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ बिग ऑर्डर, दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू। आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे समय में लियो, उतना ज्यादा धन की वर्षा आपके ऊपर होगी, क्योंकि छठा भाव आपकी एम्प्लॉयमेंट का है, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट्स जो होंगे स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा खास करके, लेकिन खर्चे की ओर ध्यान देकर चले, फॉरेन ट्रेवल्स मल्टीपल रह सकते हैं, या फॉरेन में आना जाना रह सकता है, या फॉरेन रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, अगर वीजा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखी है, तो 7 फरवरी के बाद कुछ आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि 11th लॉर्ड होकर 6th हाउस में है और 12th हाउस में मरकरी का एस्पेक्ट है, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखिए वर्गो सैंडस आपके लगन के लॉर्ड हैं बुध और आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए ये टाइम जो होगा बहुत ही बढ़िया रहेगा, 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, योर लव लाइफ विल बी वंडरफुल, यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर मड विल टर्न इन गोल्ड, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर रिसोर्सेज, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस वर्गो, दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम व्हेन यू फील मच रिलैक्स एंड बेटर इफ यू हैव अ मरकरी महादशा और अंतरदशा, डेफिनेटली यू विल बी स्काई हाई। आपके दोस्त आपके भाई बंधु फ्री बैठे होंगे लेकिन आप काम कर रहे होंगे, अगर आपके ऊपर बुध की महादशा है अंतरदशा है मरकरी, ये टाइम वर्गो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है, खास करके ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप साइनिंग अमाउंट आप इस समय में साइन करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा आपको हो सकता है, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, यू नो आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर आप बड़ा परेशान थे 7 फरवरी के बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड, बी ऑनेस्ट बी हम्बल बी पोलाइट एंड परफॉर्म योर बेस्ट, बिकॉज सैटर्न इज आल्सो इन योर 6th हाउस इन उपचे हाउस, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद द डिवाइन ग्रेस।
अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। देखें आपके लिए मरकरी रूलिंग प्लैनेट है, योग कारक है और आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, मदर की ब्लेसिंग्स लेके चलें। नया व्हीकल आप बाय करेंगे 7 फरवरी के बाद, नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं या नई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। ये सारा टाइम फ्रेम प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, मेंटल पीस आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है या मदर के साथ आपके रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रह सकते हैं। इन चीजों की ओर फोकस देके चलें, अपने मदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, तो डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम आपके लिए पीस ऑफ माइंड भी लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा और प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। देखिए आपके लिए 8th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस के लॉर्ड है मरकरी और आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 7th फरवरी के बाद यू विल गेट गुड गेन्स थ्रू कम्युनिकेशंस, आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू अच्छे खासे गेन्स होंगे। सिबलिंग्स के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, छोटे भाई बहन की शादी हो और आप उस फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से यू नो एंजॉय करेंगे, स्पेंड करेंगे। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। फ्रॉम 7th ऑफ फेब 2023 यू विल अर्न मनी थ्रू कम्युनिकेशन, यू विल गेट सम गुड न्यूज थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल और थ्रू व्हाट्सएप चैटिंग। यू नो समथिंग पॉजिटिव स्टोर फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई ही रहेगा, आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े अच्छे रहेंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू very easily, people wants to make friendship with you, नए नए दोस्त आपके बनेंगे, नए नए बंधु आपके बनेंगे और दोस्तों से आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी। पराक्रम और शौर्य में आपकी वृद्धि रहेगी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए आपके लिए जो मरकरी है आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेटर हो जाएंगे, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। सेजिटेरियस जितना ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ बना के रखेंगे, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, आपको पैसे की कमी ना होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग की कमी ना होगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। अगर आप कोई काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू। यू विल मेंट लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रोस्पैरिटी एंड यू विल सक्सेस, यू विल अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन एंड यू विल गेट सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, यू मे गेट समथिंग एज ए इनहेरिटेंस from your in-laws, from your brother-in-law or from your spouse side. This will be a very good time for you. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will definitely shine like a sun. अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। आपके लगन में बुध का गोचर होने जा रहा है, डेट होगी 7th फेब 2023 से लेकर 27th ऑफ फेब 2023 तक। मरकरी ट्रांजिट इन योर यू नो फर्स्ट हाउस, थोड़ा सा कंजूस हो जाएंगे आप, थोड़ा सा अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सेविंग्स की ओर ज़्यादा ध्यान रहेंगे देंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स मिलेंगे, आपको फोन कॉल के थ्रू कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, या हो सकता है कि कम्युनिकेशंस के थ्रू आप अच्छा खासा बिजनेस निकालें या स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट हो सकता है, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकती है, नई पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ हो सकती है और उस पार्टनरशिप में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर आएगा, आपका हार्डवर्क आपको यू नो सक्सेस आपको अचीव होगी, आपके हार्डवर्क आपके सक्सेस में कन्वर्ट होगा, स्पाउस के साथ रिश्ते में निखार आएगा। देखिए ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, किसी किस्म का कोई लेन देन का बिजनेस करते हैं कैप्रिकॉन, दिस विल बी हाईली बेनिफिटेड एंड प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल डेफिनेटली बिकम अ रॉक स्टार। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 12th हाउस में मरकरी का गोचर होगा और मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। इस समय में आपका खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, फॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी रहेंगी, विदेश यात्राएं आपकी होंगी और उन यात्राओं से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और हो सकता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करते हैं तो फॉरेन से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाए या फॉरेन से कोई पार्टनर मिल जाए और आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉम्प्लिकेशंस का हिस्सा नहीं बनना, किसी के साथ डिस्प्यूट में नहीं जाना, जितना ज़्यादा काम होकर चलेंगे, हम्बल होकर चलेंगे उतना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस lot of complications, hurdles. किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना, किसी के साथ बंडलबाजी नहीं करनी। मरकरी 12th हाउस में जितना ज्यादा अपने आपको कॉम्प्लिकेशन या धोखाधड़ी से दूर रखेंगे, पोलाइट होकर चलेंगे, ऑनेस्टी के you know, रास्ते पे चलेंगे तो बिजनेस में आपको गेन्स होंगे। इस सारे समय में आपकी जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स है उससे आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेंगे।
अब बात करते हैं पाइसेस असेंडस की। देखिए आपके लिए 11th हाउस में बुध का गोचर होने जा रहा है 7th फेब से लेकर 27th ऑफ फरवरी 2023 तक। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यूर एल्डर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू, योर फादर विल सपोर्ट यू, यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। यू विल अर्न मनी थ्रू नेटवर्किंग, यू विल अर्न मनी थ्रू सोशलाइजिंग यूर सेल्फ। दोस्त भाई बंधु के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई दोस्त या कोई भाई बंधु आपको कोई ऑफर कर सकता है किसी नए बिजनेस के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आप पैसा खूब कमाएंगे। 7th फेब 2023 से लेके 27th फेब 2023 तक पाइसिस यू विल बी रॉक इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ अर्न रिस्पेक्ट। Your wish will be fulfilled, your desires will be fulfilled, and you will enjoy a lot of comfort. This whole time, aapko aapke bade bhai behno se support milegi, and you will feel much relaxed and better. This will be a fantastic time for you if you're willing to start anything new with someone. Stay cool, man. Thank you for watching my video. Praying for your happy future. Namaskar, Sasika, Salam, Jai Hind.